वेलकम ऑल स्टूडेंट्स, लेट्स डू स्टैंजा नंबर 3 ऑफ द पोयम द लबर्नम टॉप। देन विद ईयर डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग शी लॉन्चिज वे टुवर्ड्स द इन्फिनाइट एंड द लबर्नम सबसाइड्स टू एम्प्टी। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पोयम एंड द पोएट। द नेम ऑफ द पोयम इज लबर्नम टॉप एंड द नेम ऑफ द पोएट इज टेड ह्यूज। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन स्ट्रोक्स इट्स फुल। इसको एक्सप्लेन करना है, इसका क्या मीनिंग है। इट मीन्स द गोल्डफिंच फीड्स अर यंग वन। यंग वंस का मतलब होता है ऑफ स्प्रिंग्स, यानी कि चूजे जो उसके बच्चे हैं, यंग वंस बोलेंगे उसको। इसका मतलब है कि जो गोल्डफिंच चिड़िया है वो अपने बच्चों को चोगा डालती है, दाना डालती है, टू सेटिस्फाई देयर हंगर, उनकी भूख को मिटाने के लिए। थर्ड क्वेश्चन, वेयर डज द बर्ड गो आफ्टर फीडिंग हर ऑफ स्प्रिंग्स। अपने बच्चों को खिलाने के बाद गोल्डफिंच है वो कहाँ चली जाती है। शी फ्लाइज अवे इन टू द इनफाइनाइट स्काई। वो खुले आसमान के अंदर उड़ जाती है। लास्ट क्वेश्चन है, वट इज हर फैमिली। गोल्डफिंच की फैमिली कौन है। गोल्डफिंच यंग वंस आर एंड ऑफ स्प्रिंग्स आर हर फैमिली। गोल्डफिंच के जो बच्चे हैं, ऑफ स्प्रिंग्स या यंग वंस है, वो एक ही बात होती है। चूजे जिसको बोल देते हो आप, गोल्डफिंच के बच्चे ही उसका परिवार है। तो स्टूडेंट, वी हैव डन सीन पैसेजेस ऑफ दिस पोयम। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू समरी ऑफ दिस पोयम। टिल देन बाय बाय।